ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा हम सभी को संपूर्ण पावन बनाने आया है और हमारी चित्त की वृत्ति को शुद्ध करने आया है, हमारे संस्कारों को उन्हें बिल्कुल सॉफ्ट, पवित्र, सुखदायी, कल्याणकारी बनाना है। तो भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा ने सभी विकारों का दान भी हमसे मांग लिया, व्यर्थ संकल्पों का दान भी हमसे मांग लिया। हम सच्चे मन से अपने किसी भी बुराई का दान बाबा को कर दें, कोई दृढ़ संकल्प कर लें कि आज से हम ये करेंगे या आज से हम ये नहीं करेंगे। भगवान को एक बार वचन देकर उससे वापिस नहीं लेंगे। एक शक्तिशाली मनुष्य, एक चरित्रवान मनुष्य ऐसा ही करता है कि वचन दे दिया, किसी मनुष्य को भी वचन दे दिया तो वापिस नहीं लेते। हमारा इतिहास, हमारी कल्चर ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जब वचन निभाने के खातिर मनुष्य ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो हम भगवान को वचन दे दें और संकल्प कर लें उसको वचन देकर निभाना है। जब मनुष्य को वचन देकर भी मनुष्य सर्वस्व कुर्बान कर सकता है, तो क्या भगवान को वचन देकर हम उसे निभाने के लिए अपने स्वार्थ का, अपनी कमजोरियों का बलिदान नहीं कर सकते? तो दे दें वचन उसको जो हमें सबसे महान बनाने आया है। दूसरी बात, दे दें वो बुराई उसको, ये देहभान उसको, मन की चिंताएं, सारे फिकर, सारे बोझ उसको दे दें। और कोई चीज जब दूसरों को दे दी जाती है तो उस पर अपना अधिकार नहीं रहता है, फिर उन चीजों पर अपना कोई अधिकार नहीं। एक बार देने के बाद दोबारा उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और फिर भगवान को देकर वापिस लेना ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान कभी हमारी उन चीजों को स्वीकार भी नहीं करेगा और हमें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो आइए हम इन दोनों चीजों का प्रयोग करके अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाएं। हम कमजोर नहीं हैं, सोचो हम किसकी संतान हैं? भगवान के बच्चे क्या दृढ़ नहीं होंगे? सर्वशक्तिवान के बच्चों का मनोबल क्या ढीला ढाला होगा कि आज कुछ सोच रहे, कल कुछ सोच रहे, आज त्याग कर रहे हैं, कल वापिस ले रहे हैं, आज एक प्रतिज्ञा की, आज ही तोड़ डाली? क्या ऐसा कमजोर मनोबल सर्वशक्तिवान की संतान का हो सकता है? बिल्कुल आपका अंतर्मन दृढ़ता पूर्वक कहेगा कदापि नहीं। हम जिस भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हमें उनकी इन शक्तियों का शो करना है। हम कमजोर नहीं हो सकते। क्या शेर का बच्चा गीदड़ों से डरकर भागेगा या केवल खड़ा हो जाएगा और हजार गीदड़ भी हों एक साथ सबके सब पलायन कर जाएंगे? पहचाने अपनी शक्तियों को और इस शक्ति का प्रयोग दृढ़ संकल्प के रूप से करें, विशेष रूप से सब कुछ बाबा को दे दें। तो आज ऐसा एक विजन बनाएंगे कि हम अपनी बुराइयों की गठरी बांधकर सूक्ष्म वतन में बाबा के हवाले कर रहे हैं। लो बाबा, बस आज से ये सब आपका हुआ, ये चीजें मेरी नहीं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इन सब से मुक्त हुई। और फिर बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं।
वरदान दिया तथास्तु। अब ऐसा ही हो, अब ये सभी तुम्हारी बुराइयां मेरे हवाले हैं, अब मैं इन्हें जलाकर नष्ट कर डालूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, तुम बोझ मुक्त हो जाओ। आज सारा दिन इसी विजन को बनाएंगे बार बार और एक सुंदर अनुभूति करेंगे। ओम शांति।